मैडम जी आवाज ना मिलने से परेशानी होती है, ठंडी पाला आनी पानी आता है, पानी बरसता है तो हम लोग खड़े रहते हैं, पानी बरसने लगता है तो खड़े रहते हैं, भीगते हैं सब, रजाई सब जितना कपड़ा लगता रहता है सब भीग जाते हैं, बच्चे भी रोते हैं। दो थे बच्चा हुआ उन्हें लोन के बहुत परेशानी, अमोख परेशानी, कहाँ हम बनाए खाएं, कहाँ हमारे बच्चा खाए। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी गरीब परिवारों का भी पक्का आवास बन सके, परंतु जौनपुर जिले के चंदवक ब्लॉक के ग्राम सभा रामदेवपुर में 30 ऐसे परिवार हैं जिनका आज तक पक्का आवास नहीं बना है। दो झोपड़ी, एक झोपड़ी में भैंस गाय रहते हैं, एक झोपड़ी में हम रहते हैं, मेरा पति सास ससुर देवर देवरान तीन बच्चे रहते हैं मैडम जी, इसी तरह हम लोग बहुत परेशान हैं। उन्हें गोरू बनाते हैं, उन्हें हमारे सिस्टर थे, उन्हें खाना बनाते हैं, उन्हें खाते हैं, ये दिक्कत ही है, ठंडी का टाइम है, अभी परेशानी में परेशानी बढ़ लिया। समस्या तो बहुत होती है, बारिश बुनी हो जाए तो बहुत समस्या होती है, रहने की दिक्कत हो रही है, उड़ने के बिछोने सब चीज की दिक्कत हो रही है, खाना बनाए किधर जाए किधर बैठेंगे रहेंगे सुतेंगे। देखिए मैडम जी, ये दो झोपड़ी में हम लोग कैसे झेल रहे हैं, कोई प्रधान आते सुनते नहीं है, बोलते हैं आते चले जाते हैं, बोलते हो जाएगा हो जाएगा, कोई अधिकारी भी नहीं आ पाता है, हम लोग रोड से दूर हैं यहाँ पर, और आते हैं चले जाते हैं, लोग इलेक्शन आता है आते हैं फिर इसके बाद लगते नहीं है इधर। ये बुन्नी बरखा पड़ता वही में परेशानी है, निजी छिड़ी हो था वही में अपन कैसे खाना बनाओ थल जा, वही में अपन रह जा सकती थी छिटी तो ओढ़ना तो सोना भीग जाता, अपन कैसे वही में भिजल से चल लेके ओढ़ के बैठल जाता, कैसे समय बात कर दिक्कत यह कुल है। यहाँ तलक भी मैडम जी हम लोग नीचे बोरा दशाए कि हमारे पास खटिया बिस्तरा भी नहीं है, जाड़ा पानी में हम लोग बहुत ठंड लगता है मैडम जी। आवास मिल जाएगा आपको तो क्या आपकी कुछ परेशानी दूर हो सकती है? हाँ मैडम जी, आवास मिल जाएगा तो हम लोग को कुछ परेशानी दूर हो जाएगी मैडम जी, रहने का कम से कम जो हम लोग के पास बिस्तरा है वो बचा रहेगा मैडम जी, सोने का बच्चे उच्चे रहने जहाँ भी रह जाएंगे, कुछ खाने पीने के लाते हैं मैडम जी, पानी बुनी पड़ता है तो भीग जाता है। आप अपनी समस्या लेकर कभी किसी अधिकारी के पास गई हैं? जी मैडम, सेक्रेटरी के पास गए थे और इनके पास प्रधान के पास, बोले कि चलो हो जाएगा हो जाएगा, अभी तलक वो काम नहीं है। तो क्या चाहती हैं आप? मैडम जी हम ये चाहते हैं अगर मुझे अगर एक आवास मिल जाए तो उतने में मैडम जी हम लोग हो जाएंगे। और जब इस समस्या पर मैंने एक वीडियो बनाई, वीडियो को बनाने के बाद समुदाय के साथ मीटिंग और स्क्रीनिंग किया और ये निर्णय लिया कि हम ग्राम सरपंच जी से बात करेंगे, और जब हमने ग्राम सरपंच जी से बात की तो उन्होंने ये कहा है कि सरकार के खाते में इतने सारे पैसे नहीं है कि हम सभी पात्रों को एक साथ दे पाएंगे, क्रमबद्ध तरीके से पात्रों की सूची बनाई गई है और जैसे जैसे उनका नंबर आएगा वैसे वैसे उन्हें आवास मिलेगा। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करती हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इन सभी परिवारों का पक्का आवास बन सके। मैं शबनम, जनपद वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, इंडिया अनहट के लिए।